फ्रेंड्स, देखिए हम आज लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और यूनिक डिजाइन, जो ये 5 कलर में बनकर तैयार होता है। वैसे आप जितने भी आपके पास बचे हुए ऊन होते हैं तो आप सोचते होंगे कि उसका क्या करें उसका क्या करें, लेकिन उसके लिए हम एक डिजाइन लेकर आए हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। आप जितने कलर चाहें उतने कलर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और डिजाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। बच्चों के स्वेटर में डालिए, आप लेडीज़ कार्डिगन में डालिए, ये डिजाइन अच्छा लगता है, या इसका शॉल स्टॉल कुछ भी बनाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको ये डिजाइन बताते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट बार विजिट किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। फ्रेंड, तो चलिए आपको ये डिजाइन बताना शुरू करते हैं। देखिए, ये डिजाइन जो है रॉन्ग साइड से शुरू होता है और 2 रो में ये डिजाइन बनकर तैयार होता है। तो देखिए, ये है राइट साइड में, अगर फंदे वगैरह बढ़ाने हो बॉर्डर के बाद तो आप राइट साइड से बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा राइट साइड रो 1 है, ये बेसिक रो है, इसे हम ऐसे सीधा बुन करके कंप्लीट करेंगे। सभी फंदों को हम नीट कर लेंगे। देखिए, हमारा ये राइट साइड है, रो 1 है, ये हमने बेसिक रो बनाया है। अब देखिए, हम ये सेकंड रो में आते हैं। अब यहाँ से हम जो है डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ये रॉन्ग साइड है तो हम यहाँ से हम जो है सेकंड कलर को ऐड करेंगे। तो ये देखिए, हमारा सेकंड कलर अब यहाँ पर ऐड करेंगे। ये रॉन्ग साइड है, रो 1 डिजाइन का रो 1 है। तो देखिए, हम ये पहले सेकंड रो को हम रॉन्ग साइड से ऐड करेंगे और सभी फंदों को हम उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमें सेकंड कलर हमारा कंप्लीट हो गया, सॉरी सेकंड रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब रो थर्ड रो में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, हम फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे। अगर आप बुनाई करते हो तो बुनाई कर लीजिएगा। इसके बाद ऊन के धागे को फ्रंट साइड लाएंगे और देखिए ऐसे 1 2 3 3 फंदे हमने निट किया है। एक फंदा हमारा साइड का है और एक फंदा जाली वाला है, और 3 फंदे हमने निट किए हैं। तो हमारे देखिए 1 2 2 फंदे छोड़ के जो हमारे ये 3 फंदा इधर से है, इसे लेफ्ट स्लाइस से ऐसे लेंगे और इसे ऐसे दोनों फंदों के ऊपर से हम स्लिप कर देंगे। ठीक, तो देखिए हमारे 3 के 3 फंदे हो गए। फ्रेंड, फिर हम उनके धागे को फ्रंट साइड करेंगे और 3 फंदे निट करेंगे। 1 2 3 और फिर देखिए 1 2 2 फंदे छोड़ के हमारा जो ये 3 फंदा है, इसे लेफ्ट स्लाइस ऐसे लेंगे और 2 फंदे के ऊपर से हम स्लिप कर देंगे। फिर उनके धागे को फ्रंट साइड करेंगे और 3 फंदे निट करेंगे। 1 2 3 फिर 1 2 2 फंदे छोड़ के हम तीसरे फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे 2 फंदों को ऊपर से। फिर उनके धागे फ्रंट साइड लाएंगे और देखिए 3 फंदे 1 2 3 फिर देखिए 2 फंदे छोड़ के हम थर्ड फंदे को जो है 2 फंदों को ऊपर से स्लिप कर देंगे। फिर उनके धागे फ्रंट साइड लाएंगे
उनके धागे फ्रंट साइड लाएंगे और देखिए थ्री फंदे, वन टू थ्री, थ्री फंदे हमने निट किए। तो हम जो यहाँ से थर्ड फंदा इधर से आता है, इसे लेफ्ट सिलाई से टू फंदों को ऊपर से स्लिप कर देंगे। इस साइड का एड स्टिच है, इसे हम बुनाई कर लेते हैं। तो ये डिजाइन का हमारा थर्ड रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ये एक रो हमारा बेसिक रो था और सेकंड रो, और ये जो हमने रॉन्ग साइड और राइट साइड टू रो में ये डिजाइन बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ से हम फिर देखिए थर्ड रो को, थर्ड कलर को हम ऐड करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर थर्ड रो हमने ऐड किया है। अब फिर हम पूरी रो को उल्टा बुनेंगे। जब हम कोई भी कलर ऐड करेंगे इसमें, बहुत ही आसान डिजाइन है फ्रेंड्स। और जब रॉन्ग साइड से हम कलर को ऐड करेंगे तो पूरी रो को हम उल्टा बुनाई करेंगे। जब भी आप कभी कोई भी कलर ये ऐड कीजिएगा। हमारी एक फ्रेंड्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि पांच कलर में कोई डिजाइन बताएं हम आपको, तो फ्रेंड्स के लिए है, उन्होंने पूछा था, तो इसलिए हम ये डिजाइन पांच कलर में उनको बता रहे हैं। और भी नेक्स्ट वीडियो में हम कई कलर के डिजाइन बता देंगे। तो देखिए ये हमारा यहाँ थर्ड कलर है, ये बॉर्डर का हो गया, ये कलर से डिजाइन बनाए। फिर देखिए हमारा ये थर्ड कलर है। अब इसे देखिए फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे या बुनाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से डिजाइन शुरू किया था, जब हमने सेकंड रो में डिजाइन शुरू किया तो वन टू, टू फंदे हम अब निट करेंगे। देखिए वन टू, टू फंदे निट कर लेंगे, क्योंकि ये जाली वाला फंदा बीच में होना चाहिए और इधर दो फंदे होने चाहिए। तो इन तीन फंदों में हमें ये डिजाइन बनानी है। तो फिर उनके धागे को फ्रंट साइड करेंगे और थ्री फंदे हमारे निट करेंगे, वन टू थ्री, थ्री फंदे हमने निट किया। तो अब ये टू फंदे छोड़ के हमने, हमें जो है थ्री थर्ड फंदा है, इसे हम दोनों को ऊपर से स्लिप कर देंगे। ठीक, फिर इस उनके धागे को फ्रंट साइड करेंगे, फिर थ्री फंदे को निट करेंगे और ये थर्ड फंदा जो है टू फंदों को ऊपर से स्लिप कर देंगे। फिर उनके धागे को फ्रंट साइड करेंगे और थ्री फंदे, वन टू थ्री, थ्री फंदे निट करेंगे। ये हमारा जो थर्ड फंदा है, इसे हम टू फंदों को ऊपर से स्लिप करेंगे। उनके धागे को फ्रंट साइड करेंगे, वन टू थ्री, थ्री फंदे निट करेंगे और टू फंदों को ऊपर से थर्ड फंदा जो है स्लिप कर देंगे। और ये हमारे जो टू फंदे हैं, इसे हम निट कर लेते हैं। देखिए अब फिर अब यहाँ से हम ये और कलर जो आपके पास कलर हो उसे फिर ऐड कर लीजिए। अभी हम देखिए हमने यहाँ पर फोर कलर हमने ऐड किया है। देखिए हमने यहाँ पर फोर कलर ऐड किया। देखिए ये डिजाइन इस तरह बनकर आना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम इस कलर से डिजाइन को बनाएंगे। देखिए इस फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ पर हमें केवल एक फंदा निट करना है, एक साइड का ऐड स्टिच है, एक फंदा है, क्योंकि ये जाली वाला फंदा आपको ध्यान देना है कि बीच में होना चाहिए, साइड का वन, साइड का वन ये होना चाहिए। तो उनके धागे को फ्रंट साइड करेंगे और वन टू थ्री, और फिर देखिए ये थर्ड फंदा जो है लेंगे और टू फंदों को ऊपर से स्लिप कर देंगे। फिर उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे और वन टू थ्री, फिर देखिए टू फंदों को ऊपर से स्लिप कर देंगे। डिजाइन पैटर्न वही है फ्रेंड्स, बस यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है जब आप राइट साइड से शुरू करते हैं डिजाइन, तो वहाँ से आप ध्यान देंगे तो आपकी डिजाइन
सही बनकर आएगी। देखिए ये स्लिप करेंगे, उनके धागे फ्रंट साइड किया, थ्री फंदे निट किया और फिर देखिए ये हम टू फंदों को ऊपर से स्लिप कर देंगे और थ्री फंदे हम नेट कर लेंगे। देखिए हमारी ये डिजाइन बन गई। अब यहाँ हम फिफ्थ कलर को ऐड करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ फिफ्थ कलर को ऐड किया है। अभी ये रॉन्ग साइड में जब भी आप कलर ऐड करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वन रो में ही डिजाइन बनता है, रॉन्ग साइड में हमेशा आपको ये उल्टा कलर ऐसे उल्टा बुन करके तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है और बनाने के बाद बहुत ही खूबसूरत ही दिखता है। इस तरह आप इस डिज़ाइन को बनाइए फ्रेंड्स। देखिए हमने ये फिफ्थ कलर ऐड कर लिया। ठीक, अब आप जो है देखिए फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे। अब यहाँ देखिए रो वन की तरह यहाँ पर 1 2 3 पहले ही उनके धागे को फ्रंट साइड लाइए, 1 2 3 फंदे नीट करेंगे। यहाँ से जो थर्ड फंदे हैं उसको आप टू फंदों को ऊपर से स्लिप कर दीजिए, फिर उन धागे को फ्रंट साइड कीजिए, 1 2 3 थ्री फंदे बुनाई किया तो थर्ड फंदा जो है वो टू फंदों को ऊपर से स्लिप कर देंगे। फिर उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, 1 2 3 थ्री फंदे नीट करेंगे और टू फंदों के बाद जो ये थर्ड फंदा है इसको टू फंदों के ऊपर से हम स्लिप कर देंगे। फिर उनके धागे को फ्रंट साइड करेंगे और थ्री फंदे 1 2 3 नीट करेंगे और जो हमारा ये थर्ड फंदा है फ्रेंड्स, जो ये हमारा थर्ड फंदा है इसे टू फंदों के ऊपर से स्लिप कर देंगे। उनके धागे को फ्रंट साइड करेंगे और ये थ्री फंदे हमारे 1 2 3 तो हमारा जो थर्ड फंदा है उसको टू फंदों के ऊपर से स्लिप कर देंगे। तो देखिए हमने ये, अब आप फिर यहाँ से इस कलर से बनाना फिर शुरू करें। इतना खूबसूरत बन करके आता है तो आप इस डिज़ाइन को बनाएं। अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो और मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है। आप अपने बचे हुए ऊनों से या आप नए ऊनों से बनाना चाहें तो इसे आप बना सकते हैं और इसे आप बनाइए। देखिए रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है तो आप इस डिज़ाइन को बनाएँ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक लिखिए थैंक यू, बाय बाय।